नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एक ऐसे इशू के बारे में जो ज्यादातर लोग फेस करते होंगे उनके एंड्रॉइड स्मार्टफोन में। जो इशू है वो ये है कि वो जब ब्लूटूथ और वाईफाई को दोनों को एक साथ यूज करते हैं तब उनका वाईफाई काफी स्लो हो जाता है। और ये हर बार नहीं होता, ये कुछ कुछ बार होता है कि आप अगर दोनों को एक साथ यूज कर रहे होंगे तो आपका वाईफाई जो होता है काफी स्लो हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये क्यों होता है और आपको इसे कैसे सोल्व करना है मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों ये इसलिए होता है, जैसे कि आपको पता होगा ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों ही सेम रेडियो फ्रिक्वेंसी पे सिग्नल सेंड करते हैं। इसका मतलब है कि जो ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेडियो फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप दोनों को एक साथ यूज कर रहे हो तो दोनों की जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है सेम होने की वजह से दोनों नेटवर्क आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में इंटरफेयर करेंगे और उसके कारण आपके वाईफाई की स्पीड कम हो जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे एक सीट पे दो लोगों का बैठना। तो ऐसा होता है, इसलिए होता है क्योंकि दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है और दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम होने के कारण अगर आप दोनों को एक साथ यूज करते हो तो दोनों ही नेटवर्क में यहाँ पे जो चेंज आपको नोटिस होगा, आपके वाईफाई पे चेंज नोटिस होगा, आपकी वाईफाई की स्पीड भी कम होगी। तो दोस्तों इसे सोल्व कैसे करेंगे? दोस्तों इसे सोल्व करने का एक ही सोल्यूशन है, आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखना पड़ेगा दोनों का, ताकि दोनों के जो सिग्नल है आपस में कोलाइड ना करे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो ब्लूटूथ की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ब्लूटूथ हमेशा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे ही वर्क करेगा। आप वाईफाई की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसे चेंज कर सकते हो। वाईफाई की रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होती है, आप उसे 5 गीगाहर्ट्ज़ भी कर सकते हो क्योंकि वाईफाई ड्यूल बैंड पे सपोर्ट करता है। तो कई सारे फोन में, कई सारे राउटर में वाईफाई दो बैंड पे सपोर्ट करता है जिसे हम ड्यूल बैंड भी कहते हैं। तो आप वाईफाई पे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ पे सेट कर सकते हो। तो ये आपको करना कैसे है, आप अगर अपने फोन में मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करते हो तो आपको मोबाइल में भी सेटिंग्स मिल जाती है बैंड को चेंज करने की, या फिर अगर आप राउटर में यूज करते हो वाईफाई को तो उसमें भी आपको सेटिंग्स मिलती है। मान लो आप कोई भी एंड्रॉइड फोन या फिर सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में, कनेक्शंस में, और यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट एंड टेथरिंग में, मोबाइल हॉटस्पॉट में, और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन बैंड का। जैसे आप कॉन्फ़िगर पे टैप करोगे, जैसे आप टैप करोगे यहाँ पे बैंड पे, यहाँ पे आपको दो बैंड मिलते हैं, एक होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और एक होता है 5 गीगाहर्ट्ज़। मतलब अगर आप हॉटस्पॉट का यूज करोगे तो सामने वाले को जो वाईफाई होगा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे उससे सिग्नल मिलेगा, लेकिन आप अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ पे सिलेक्ट करते हो तो अब उसे 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो सिग्नल होगा, वाईफाई होगा, वो मिलेगा। मतलब अगर वो ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों एक साथ यूज कर रहा है उसके वाईफाई की स्पीड कम नहीं होगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अगर मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज कर रहे हो तो आपको इस तरीके से 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जो बैंड है वो सिलेक्ट करना है। और आजकल के कई सारे राउटर में जैसे टीपी लिंक, जियो फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर, उसमें भी ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट होता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना पड़ता है। जैसे बात करोगे अगर आप टीपी लिंक के, तो टीपी लिंक में वायरलेस में एक ऑप्शन होता है स्मार्ट सिलेक्ट का, आपको उसे डिसेबल करना है और नीचे आपको मिलेंगे दो ऑप्शन 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़। तो आपको 2.4 को डिसेबल करना है और 5 गीगाहर्ट्ज़ को इनेबल रखना है। इसके बाद आप जो अपना वाईफाई है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे ही यूज कर सकते हो। तो अब आपने यहाँ पे अपनी रेडियो फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी है, वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज़ पे है और ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। अब यहाँ पे दोनों ही जो नेटवर्क है एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करेंगे, आपस में इंटरफियर नहीं करेंगे। दोस्तों अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज़ का यूज करते हो वाईफाई में तो आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको वाईफाई की स्पीड काफी अच्छी मिलेगी, फास्टर मिलेगी, लेकिन उसी के साथ आपको एक नुकसान ये होगा कि जो 5 गीगाहर्ट्ज़ में जो रेंज होती है काफी कम होती है। अगर बात करेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की तो उसमें नॉर्मली रेंज होती है 100 मीटर, लेकिन अगर आप यूज कर रहे हो 5 गीगाहर्ट्ज़ तो उसमें रेंज होती है 30 मीटर, मतलब रेंज काफी कम हो जाती है। तो ये एक नुकसान होता है। लेकिन अगर आपको ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों को एक साथ यूज करना है, अगर आप रेंज में हो 30 मीटर के अराउंड में, तो आप फिर दोनों को एक साथ यूज कर सकते हो बड़ी आसानी से। आपको इस तरीके से वाईफाई का जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है, जो बैंड है, उसे चेंज करना है। तो इस तरीके से आप जो इश्यू है ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों को एक साथ यूज करने पर जो आपकी वाईफाई जो स्पीड होती है कम हो जाती है, वो आप इस तरीके से इसे सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पर भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।